पुलवामा की घटना पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और देख सकते हैं कि यहां पर जो संस्था है हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट अवेयरनेस सोसाइटी, उसकी ओर से ये पेंटिंग्स बनाई जा रही है भावपूर्ण श्रद्धांजलि पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। और अलग अलग तरीके से कलाकार जो हैं वो अपनी अपनी भावनाओं को उकेर रहे हैं यहाँ, और जो जो जिस तरह से भी श्रद्धांजलि वो दे पाए, ताकि उनकी एक भावना भी कलाकारी जो कलाकार हैं उनके माध्यम से यहाँ पर आए। हमारे साथ सैनी जी हैं। सैनी जी, क्या है ये मकसद, क्या करवा रहे हैं? जैसा कि अभी 14 तारीख को कश्मीर में हमारे सैनिकों के ऊपर कायराना तरीके से गाड़ी के द्वारा अटैक किया गया और उसमें 40 लोग मर गए, हमारे उन शहीदों के लिए हमारी श्रद्धांजलि है। और इस हम पेंटिंग के माध्यम से अपना शोक, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। कितना लंबा बना रहे हैं पेंटिंग? ये 15 फुट के आसपास बैनर है। इस पे दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकार अपनी पेंटिंग के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलाकार जो हैं अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये आप क्या बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है और मैं इसमें श्रद्धांजलि दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू मैंने इसमें कैंडल बनाया है, क्योंकि कुछ कैंडल्स है उसे होते हो कि वो जो जाते हैं, मेरे पेंटिंग में कैंडल ने इसलिए बनाया कि वो बस जलते ही रहे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर। काले रंग का प्रयोग किया है? हाँ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, एक श्रद्धांजलि है कि उनको एक शो मनाने के लिए मैंने वो काल ब्लैक वो यूज़ किया फ्रेम में। थैंक यू। आपका पेंटिंग ये क्या कह रहा है, क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें सर हम लोग ह्यूमन है सबसे पहले, तो बाद में बाकी चीज़ें आती हैं। तो इंडियन आर्मी भी यही कहती है कि हम लोग भी ह्यूमन है, हमें क्यों मार रहे हो बेफालतू के? अगर आपको करना है वॉर तो डायरेक्ट करो, क्यों फालतू में हम ऐसे पीठ पीछे से वॉर करते हैं? डायरेक्ट करो, बोल के करो ये अगर हिम्मत है। तो वही चीज़ है कि ये सैनिक है जो कि ह्यूमन्स है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि वी आर ह्यूमन टू, ये इंडियन आर्मी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो भी आर्मी भी जो है वो भी ह्यूमन है, उन पर पीठ पीछे से वार नहीं होना चाहिए, इस तरह की जो भावना है वो यहाँ कही जा रही है। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी एक तस्वीर, क्या बना रहे हैं इसमें आप? मैं इसमें जो उनका एग्रेशन आ रहा है, जो भारतीय लोगों का जो एग्रेशन है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वो क्या फील कर रहे हैं सब, जो अभी हमारे वहाँ पे कश्मीर की तरफ हुआ है उसके बारे में वो एग्रेशन दिखाना चाह रहा हूँ बस यहाँ पे। देख सकते हैं कि ये एग्रेशन है किस तरह से, बिल्कुल जो लोगों का एग्रेशन निकल के उभार आ रहा है वहाँ पे, गुस्सा दर्द वर्द वो सब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें उसकी वो पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पे। बिल्कुल देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से किस तरह से गुस्से में चेहरा लाल है, और जो देश भर से भावना आ रही है कि बदला लेना चाहिए, ऐसी कायराना हरकत जो की गई है उस पर नियंत्रण होना चाहिए, अब देव नहीं दानव, ये क्या है? इसमें मैंने ये दिखाया है कि इससे पहले आर्मी जो हमारे योद्धा हैं उनका जो जो उनका वो रुके हुए हैं बिल्कुल, और उसकी वजह से उनको जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि उनको बैकलैश, उनको झटका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, एक अटैकिंग मूड रखना चाहिए उनको। अब वो अटैकिंग मूड मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि अब जो फौजी है वो अटैकिंग है, जिससे दुश्मन बहुत डरेगा, कांपेगा और 100 बार सोचेगा, कोई भी आतंकवादी वारदात करने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि इसका जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक होगा। तो वो रौद्र रूप मैंने इस बार दिखाया फौजी का, ये रौद्र रूप दिखाने की कोशिश है। और यहाँ पर भी ये शहीदों को श्रद्धांजलि का प्रतीक क्या है भाई साहब? ये जी भाई साहब, ये है कि वहाँ हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे लड़ते हैं, मरते हैं, और नेता लोग और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, सैनिकों के खिलाफ बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने ये दिखाया। तो जितने भी अलगाववादी नेता हैं उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई, वो सिक्योरिटी सब दिखा हुआ है, ढकोसलेबाजी है, सब ढकोसलेबाजी है, ये आम आदमी को पागल बनाने की बात है ये सब। और तो देख सकते हैं कि कलाकार जो है, ये आपने क्या दिखाया भाई साहब? अभी अभी बनाऊंगा, अभी अभी बेस बनाया है। अच्छा। तो ये तबाही है, ये बम ब्लास्ट का ये जो है ना, हरियाली को मतलब लाल पीला कर दिया है, आग जल रही है चारों तरफ, ये उस चीज़ को अभी बैकग्राउंड बनाया, अभी अभी काम बाकी है। कश्मीर को जो है तबाह किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो खूबसूरती खत्म कर दी जा रही है,
प्रकृति को भी का भी दोहन हो रहा है। ये सब इन चीज़ों को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। देख सकते हैं ये पूर्व सैनिक भी है, ये भी अपनी यहाँ पर भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। क्या इसमें है सर? हेलो सर, मैंने ये पेटन टैंक बनाया, देन आर्मी मैन वॉज ऑन दैट वन ऑन इन ए फ्रंट, देन देर इज ए वेपन ऑफ, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने यहाँ दिखाया है कि पाकिस्तान उड़ जाए तो पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए, नक्शे के ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने मेरा एक सैनिक मारा है, मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये बैटल टैंक है और टैंक से देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है और पाकिस्तान को उड़ा दिया है। तो यहाँ एक सैनिक की भावना यही है और हर किसी देशवासियों की भावना यही है कि कार्रवाई अब होनी चाहिए। और यहाँ पर पेंटिंग के माध्यम से उसे दिखाने की कोशिश की है। सभी जो भी सामान्य लोग भी हैं और जो कलाकार हैं वो अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और श्रद्धांजलि देते हुए पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन सभी जवानों को। जंतर मंतर से कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।